आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि ये क्या होता है और हमारे शरीर में ये क्या काम करता है और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें ये चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हेल्दी फैट के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा करके फ्रेंड्स ये नॉन वेज फूड या फिर सी फूड में पाया जाता है, और ये फ्रेंड्स खास करके जो मिट्टी होती है उसमें ये पाया जाता है। हमारी जो मिट्टी होती है, सोंधी सोंधी मिट्टी, उसमें ये खास करके ओमेगा 3 पाया जाता है। और फ्रेंड जो रिच अमाउंट में जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है वो है फिश और सी फूड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप वेजिटेरियन हो सकता है कि आपको ओमेगा 3 से होने वाली जो डिफिशियंसी है, जो डिजीज है, वो हो जाए, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है फ्रेंड्स उसमें ओमेगा 3 बहुत ही रेयर चांसेस में और बहुत ही कम पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिश वगैरह आप खाते नहीं हो, तो हो सकता है आपको ओमेगा 3 की डिफिशियंसी हो जाए। और ओमेगा 3 से होने वाली बीमारी कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करें फ्रेंड कि ओमेगा 3 हमारे शरीर में काम क्या करता है, तो ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन को दूर करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो उसको जो है ये दूर करने का काम करता है। साथ साथ ये डिप्रेशन को रिलीज करने में भी सहायता करता है। आपको जो है डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, चिंता बहुत ज्यादा करते हो, तो उस डिप्रेशन को जो है कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड काम करता है। साथ ही साथ ये आपके आंख के हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपकी जो आंख की रोशनी चली जाती है, धुंधलापन दिखाई देता है, ब्लरनेस आ जाता है, तो ये ओमेगा 3 आईज हेल्थ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट। सब फ्रेंड्स आपके नर्व्स को मजबूत कर, आपका नर्व्स वीक होता है तब जो है आपका हाथ पैर हिलता है। मतलब फ्रेंड्स अगर आप डिमेंशिया बीमारी से ग्रसित हैं, मतलब आपकी जो याददाश्त है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तब भी ओमेगा 3 जो है यूज करते हैं आप, तो ये आपके याददाश्त को मजबूत बनाने का काम करता है। और फ्रेंड जो खास करके छोटे बच्चे होते हैं उन्हें डॉक्टर ओमेगा 3 प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 ब्रेन डेवलपमेंट में भी, यानी ब्रेन डेवलप करने में भी एक अहम भूमिका निभाती है। साथ ही साथ अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम और एनीमिया में भी ओमेगा 3 एक अच्छी भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते, तो ओमेगा 3 का जो है टैबलेट और कैप्सूल भी आता है, आप कैप्सूल्स वगैरह का यूज कर सकते हो। ओके, आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है या बवाल है तो प्लीज कमेंट डाउन, या फिर आपको ओमेगा 3 से रिलेटेड कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो प्लीज हमें आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।